America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में भाषण में विवेकानंद से विराट कोहली तक जिक्र किया। बॉलीवुड की दो फिल्मों दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी DDLJ और शोले का नाम लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ नामों का उच्चारण गलत किया। ट्रंप ने कहा, यह वह देश है जो हर साल करीब 2000 फिल्में बनाता है। यह रचनात्मक और योग्य लोगों का हब, जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में लोग यहाँ के भांगड़ा संगीत, डांस, रोमांस और ड्रामे का आनंद उठाते हैं। क्लासिकल भारतीय फिल्में जैसे DDLJ शोले का मजा लेते हैं। यह प्रशंसनीय है। ट्रंप ने कहा, वह देश है जहाँ आप सबसे बड़े क्रिकेटरों का उत्साह बढ़ाते हैं। इनमें सचिन तेंदुलकर से विराट कोहली का नाम शामिल है। वे महानतम हैं। ट्रंप ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार उन्होंने कहा था कि जब कभी मैं सम्मान के भाव से किसी इंसान के सामने खड़ा होता हूं, तो मुझे उसमें भगवान नज़र आता है। उस क्षण मैं आज़ाद हो जाता हूं। ट्रंप ने कहा कि मैं और फर्स्ट लेडी मेलानिया महात्मा गांधी के आश्रम गए थे। यह वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दिल्ली में इस महान नेता के समाधि स्थल राजघाट भी जाएंगे। यह वह देश है जिसने महान देशभक्त सरदार पटेल के नाम पर सबसे ऊँची प्रतिमा बनवाई।